सांस आ रही है और जा रही है, सिर्फ इसी पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है. क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू, पीठ सीधी. दो मिनट के लिए आप बाहर की सभी आवाजें बंद कर दें, सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुने. इंटरनल जितनी भी वॉइस है, आपके अंदर क्या क्रिया चल रही है उस क्रिया को देखिए. इस आसन को करने से ध्यान एकाग्रता बढ़ती है, और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, इस आसन को करने से उनको वो चीज़ याद रहती है, वो बार बार नहीं भूलते. तो मिनिमम प्रतिदिन 2 से 3 मिनट या इसकी संख्या, जो इसका समय संख्या उसकी बढ़ा सकते हैं. तो ये ध्यान केंद्रित करने के लिए है ये आसन. अब बॉडी को पीछे की तरफ मूव करना है और नॉर्मल सांस को लेना है. पीछे की तरफ रखना है आपने बॉडी को इस तरह से, और इसका मिनिमम टाइम आप बढ़ा भी सकते हैं 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट के लिए. इस अवस्था में, इस योगा से, ताड़ासन से आपकी जो मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी है, उसको लचीलापन मिलता है, उसको ताकत मिलती है, टांगों को सुडौल बनती है, टांगे मजबूत होती है और शरीर में खिंचाव पैदा होता है. बहुत जल्दी करके आपने करना है, चाहे छोटे छोटे योगा करा रहे हैं. इन्हेल नॉर्मल करना है नाक से. इनहेल नोज से, इससे प्रक्रिया को करने से शरीर में जो हमारी मेन रीढ़ की हड्डी है, सबसे ज्यादा वर्क उसी का होता है, क्योंकि पूरा दिन हम चलते हैं, बैठते हैं, वर्क करते हैं, जो भी कुछ करते हैं सबसे ज्यादा वर्क हमारा रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है. तो रीढ़ की हड्डी जब मजबूत है तो शरीर मजबूत है. तो जितनी योगा होती है उस पर सबसे ज्यादा असर हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, जिसे मेरुदंड कहते हैं. रीढ़ की हड्डी पर हमारी जो लचीलापन आता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिसके कारण हम सभी कार्य अच्छे से कर सकते हैं. और शरीर, ये दोनों साइड आप देख रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं, आप मुंह नहीं खोलेंगे, सिर्फ इनहेल करेंगे नोज से. बैलेंस बनाइए. क्वाइट प्लीज. सांसों को धीमी गति से चलने दीजिए. इस आसन को करने से शरीर में लचीलापन आता है, मेरुदंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें लचीलापन आता है, और टांगों की जो सुडौल अवस्था है टांगों को मजबूत करती है. तो ये दिन प्रतिदिन